हेलो ये देखिए हेलो दोस्तों, कितना खूबसूरत सा अलमांडा का हेलो येलो येलो हेलो फ्लावर है। हमारे यहाँ भाग बतोरी है उस मोहल्ले में, तो वहाँ से बहुत आवाज़ आ रही है दोस्तों। वही दिन भर आवाज़ आती रहती है, तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और गाने चलते रहते हैं दोस्तों। अलमांडा का मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ी सी बातें बता देती हूँ, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ कि अलमांडा में कैसे इतने अच्छे ब्लूमिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। और छोटी सी केयर है दोस्तों, तो मैं 20 सितंबर की दोस्तों और 21 तारीख है, तो ये देखिए शाम रात हो रही है, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, तो मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर है, कितना खूबसूरत है। और दोस्तों इसमें कई सारे कलर आते हैं, पर्पल आता है दोस्तों, और इसमें पर्पल कलर भी आता है, पिंक तो मैंने नहीं देखा है पर आता है शायद से, सुना है, और वाइट भी आता है दोस्तों। बहुत खूबसूरत से फ्लावर लगते हैं, देखिए कितना बड़ा बिग साइज़ का फ्लावर है इसमें। तो इसकी दोस्तों क्या केयर है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मधुकामनी खिले हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लग रहे हैं ना बहुत प्यारे। तो मधुकामनी इसके बगल में लगी हुई, बहुत खुशबू आ रही है इनमें दोस्तों। हमें इसके लिए क्या करना है, अलमांडा के लिए ये बुशी भी एक वाइन भी होती है दोस्तों, तो ये मेरा प्लांट ही है। वाइन अगर बनाना चाहे तो हम इनको वाइन बना सकते हैं। और दोस्तों इसको लगाना कैसे है दोस्तों, मैंने ये छोटा सा प्लांट लेके आई थी मैं नर्सरी से, देखिए बहुत छोटा सा लेके आई थी, अब ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और देखिए इसमें कलियाँ भी बहुत सारी आई हुई हैं। वैसे इसका ये फ्लावरिंग सीज़न बरसात ही होता है, रेनी सीज़न, तो रेनी सीज़न में दोस्तों बहुत खूबसूरत से इसमें ढेरों फूल आते हैं और कलियाँ बहुत अच्छी आती हैं देखिए। और दोस्तों हमें इसके लिए क्या करना है कि हमें इसको दोस्तों लगाना कैसे है दोस्तों, बड़े साइज़ में बिग पॉट में लगाना है, तो हमें इसमें अलमांडा को बिग पॉट में ही लगाना है, क्योंकि दोस्तों ये एक परमानेंट प्लांट है और हमें इसको एक बड़े साइज़ के पॉट में ही लगाना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा 10-12 इंच का पॉट ही लेना है। ये मेरा एक टंकी में लगा हुआ है, छोटी सी टंकी है, देखिए कनिस्टर टाइप का है, तो काफ़ी बड़ा है, मतलब 12 करीब इंच का है, तो उसी में लगा हुआ है। उसमें देखिए पर्सलिन ने पूरा भर ढक रखा है, दिख ही नहीं रहा है पर्सलिन किसी, और सुबह के टाइम ये पूरा खिला रहता है तो बहुत प्यारा लगता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी मिट्टी थोड़ी सी बेल्डिन बनानी है और ताकि पानी ना रुके इसमें, तो वही बस इसकी हमें मिट्टी बेल्डिन बनानी है, और थोड़ा सा पॉट बड़ा साइज़ का लेना है। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपके पास कौन से कलर का अलमांडा लगा हुआ है। मेरे पास ये येलो कलर का अलमांडा लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों, तो आप बताइए कमेंट करके, और प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों प्लीज़। तो दोस्तों हमें क्या करना है इसके लिए, हमें फ्लावरिंग के लिए थोड़ी सी दोस्तों इसकी मिट्टी बेल्डिन बनानी है। मिट्टी बेल्डिन बनाने के अलावा दोस्तों कि हमें इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी ज़्यादा रुकेगा दोस्तों तो इसके लिए अच्छा नहीं रहता, जड़ें ख़राब जल्दी हो जाती है, तो इसकी मिट्टी बेल्डिन ही होना चाहिए। और बहुत सारी बरसाई हैं देखिए, तो दोस्तों इसकी मिट्टी बेल्डिन बनाइए, आप बिग साइज़ का पॉट लीजिए, और अगर जब छोटा सा आप नर्सरी से लेके आएँ तो छोटे में ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा से बड़े में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसको। तो देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये रात का टाइम है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे छत पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो दोस्तों ये क्या नाम से आप, हाँ क्या आते ही मैं, तो दोस्तों आप इसको क्या बोल रही थी, सॉरी, तो आप इसको बिग साइज़ का प्लाट पॉट दीजिए, और इसकी मिट्टी बेल्डिन बनाइए दोस्तों, और इसको फुल सन नाइट में रखिए दोस्तों, इसको छाया पसंद नहीं रहती, इसको आप फुल सन नाइट में ही रखिए, करीब 5 से 6 घंटे की सनलाइट में रखेंगे तभी आप ये फ्लावरिंग बहुत अच्छा करेगा। तो दोस्तों आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, और उसको फर्टिलाइज़र आप थोड़ा देते रहिए, जिससे ये अपनी फ्लावरिंग करता रहेगा कंटिन्यूसली। और थोड़ा सा ये गर्मियों में मैं भी फ्लावरिंग अच्छा करता है, बट रेनी सीज़न में ज़्यादा करता है दोस्तों, और थोड़ा विंटर दिसंबर नवंबर दिसंबर के समथिंग थोड़ा सा ये दोस्तों ठंडे एरिया में थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, फ्लावरिंग रोक देता है अपनी। और पत्तियां भी मेरी सारी इस बार विंटर में झड़ गई थी, तो ये देखिए नई नई ग्रोथ भी हो रही है यहाँ से देखिए। तो आप इसकी कटिंग भी दोस्तों इजीली लगा सकते हैं, इसकी कटिंग लग जाती है। और दोस्तों कटिंग के लिए हमें नई नई सूट लेना है, पुरानी ये हार्डवुड कटिंग नहीं लेनी है, बिल्कुल सॉफ्ट लेनी है, ऊपर की कटिंग ही लगती है इसकी दोस्तों, और हमें इसकी छोटी सी कटिंग ले लेनी है, और आराम से ये चल जाती है, लग जाती है, नई नई सूट्स निकलते रहते हैं नीचे से, तो ये वहाँ से भी आसानी से लग जाते हैं। तो ये कटिंग की बात भी हो गई दोस्तों, ये आराम से लग जाती है, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें कि मैं बहुत कॉस्टली पौधा लाई थी, ये करीब 130 या 140 का
प्लांट था ये मेरा, छोटा सा था, बट काफ़ी टाइम तक इसने फ्लावरिंग नहीं किया, बट अब ये फ्लावर कर रहा है। काफ़ी अच्छा फ्लावर आता है इसमें, बड़ा सा बिग साइज़ का फ्लावर आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसमें इसके लिए वीडियो बनाया जाए, बट मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो अभी मैंने सोचा बना ही लूँ। तो दोस्तों अभी ये सब टिप्स फॉलो करिए, और थोड़ा सा इसमें बर्मी कंपोस्ट देते रहिए आप, एक दो मुठ्ठी आप बर्मी कंपोस्ट दीजिए, ऐसे ही फ्लावरिंग अच्छी करता है। तो दोस्तों आप भी लगा लीजिए, बहुत खूबसूरत लगता है। अगर कहीं ना मिले तो आपके पड़ोसियों के यहाँ पे हो, वहाँ से आप कटिंग इसकी ले सकते हैं, वहाँ पे आप लगा सकते हैं, आराम से ये लग जाता है ईजिली, क्योंकि नर्सरी में थोड़ा सा महंगा प्लांट मिलता है दोस्तों। तो मैं भी इसकी कटिंग से लगा के और प्लांट इसमें बनाना चाहूँगी, तो देखते हैं दोस्तों ये कैसे इसकी कटिंग लगाएंगे। जब हम कटिंग लगाएंगे दोस्तों तो आपके साथ शेयर करेंगे, और मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। और ये देखिए खूबसूरत सा फ्लावर जाते जाते, बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।